भारत को आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन ये आजादी 90 साल पहले 1857 में क्यों नहीं मिली, जबकि इतना बड़ा आंदोलन था, इतने विद्रोही नेता थे, उसके बावजूद भी ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। वैसे तो 1857 के विद्रोह को लेकर जितने लेखकों ने अपनी कलम चमकाई है, उतने ही उनके दावे भी कम नहीं है। कुछ लोगों का तो बस यही मानना है कि ये क्रांति सिर्फ उन सैनिकों के चलते हुई थी जिसका बिगुल मंगल पांडे ने बजाया था। इससे ज्यादा उन्हें कुछ और करना भी नहीं है इस मामले में। उन्होंने गाय की चर्बी लगे कारतूस को अपने दांत से खींचने से मना कर दिया और इस विद्रोह के बिगुल की शुरुआत हो गई। वहीं कुछ और ने अपने ही अंदाज में इन सबके बारे में अपना विश्लेषण किया है और आए दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ इस बारे में बताता भी है। किसी ने सैनिक संघर्ष, तो किसी ने हिंदू मुस्लिम, तो किसी ने पहले से प्लान एक षड्यंत्र बताया, तो किसी ने अंग्रेज ईसाइयों के खिलाफ धार्मिक युद्ध बताया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजी शासन स्थापित होने के बाद इतना बड़े लेवल पे 1857 में विद्रोह पहली बार हुआ था। लोगों में विश्वास की एक नई ऊर्जा जाग गई थी कि भारत की आजादी अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम 1857 में आजाद नहीं हो पाए, गुलामी की बीड़ियां नहीं तोड़ पाए? क्यों हमें 90 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा? दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। 1857 में ऐसा क्या हुआ, इसके लिए मैं दो लाइन बोल दूं, आप समझ जाएं, ये संभव नहीं। इसके लिए थोड़े से धैर्य की जरूरत है, लेकिन आप बोर नहीं होंगे, इसकी गारंटी है। लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा कारण 1857 के विद्रोह का सैनिकों में असंतोष और चर्बी वाले कारतूस। ये सिर्फ एक वजह नहीं थी, इसमें शामिल था 1757 के प्लासी युद्ध से लेकर 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे की हत्या तक का इतिहास। सैनिकों का विद्रोह तो केवल चिंगारी बढ़ता जिसने उन कारणों में हवा दे दी जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से जुड़े हुए थे। इस चिंगारी ने इतनी भयानक आग लगा दी कि ये चिंगारी ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी। अब उन वजहों पर आते हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ। वैसे तो मुगल सम्राट ने उस समय 1803 में ब्रिटिश सरकार की गुलामी स्वीकार कर ली थी। डलहौजी ने मुगल को लाल किला से हटने के लिए कह दिया और उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार भी छोड़ने को कहा। ऐसी घटनाएं जनता में गुस्सा पैदा करने वाली थी, वे अपने राजा की बादशाहत को खत्म होते हुए नहीं देखना चाहते। अवध शासक अंग्रेजों के कट्टर समर्थक और आज्ञाकारी थे। इसके बावजूद भी 1856 में अवध के नवाब बाजिद अली शाह को हटा दिया गया। भारतीयों को अब ये समझ आ गया था कि ये अंग्रेज बकरी के भेष में भेड़िए हैं। बताते हैं कि जब नवाब अवध छोड़कर जा रहे थे तो वहाँ की जनता उन्हें जाते हुए देख दुखी थी। ऐसे ही डलहौजी ने कई और रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया था। अंग्रेजों की बदली प्रशासनिक व्यवस्था ने भारतीय जनता को झकझोर दिया। आर्थिक पैमाने पर भी अंग्रेजों ने कम उत्पाद नहीं मचाया, ये भी एक अहम प्रमुख कारण बना। अंग्रेजों ने भारतीयों का खून चूसने के लिए नए नए आविष्कार खोजे, जिनमें बेतहाशा लगान वसूलना, जमीनों पर कब्जा करना, सूदखोरी, इन सब ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा आघात किया। यूरोपीय अधिकारी किस तरह का व्यवहार करते थे, आप इस बात से समझिए कि इस बारे में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, कोई भी आत्मसम्मान युक्त जाति से एक घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अंग्रेजों का व्यवहार ऐसे समझिए आप, अंग्रेज भारतीयों को काले अथवा सुअर की संज्ञा देते थे। होटलों और क्लबों में जाना बैन हुआ करता था। यहाँ तक कि भारतीय महिलाओं का बलात्कार करने तक से ये अंग्रेज चूकते नहीं थे। और एक लक्ष्य भारतीयों को ईसाई बनाना भी हुआ करता था। जेलों में बंद भारतीयों को अंग्रेज राम और मोहम्मद की गालियां भी दिया करते थे। सैनिकों में जहां ये विद्रोह पनपा, उसकी वजह थी अंग्रेजी सरकार भारतीयों को न तो प्रमोशन देती थी, बल्कि उनका वेतन भी अंग्रेज सिपाहियों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम हुआ करता था, जो कि सिर्फ 7 रुपये महीने था। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने एवं पगड़ी पहनने से मना कर दिया था। इसकी जगह एक हेड दिया जाने लगा जिस पर चमड़े का तुर्रा और पंख लगा होता था। यह तुर्रा सुअर और गाय के चमड़े का होता था। एक बंदूक के प्रयोग ने विद्रोह की पूरी अग्नि को ही भड़का दिया था।
कारतूस काटते वक्त यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। पूछताछ में ये सच साबित होने लगा। फिर भारतीय सैनिकों को महसूस होने लगा कि कंपनी अब औरंगजेब की भूमिका में है और हम सैनिकों को शिवाजी का रूप धारण करना ही पड़ेगा। मंगल पांडे ने साथियों के साथ विद्रोह का आह्वान कर दिया और एक अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट होवरसन को गोली मार दी। इसके बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। भारतीय सैनिक भड़क गए और अंग्रेज अधिकारियों पर गोलियां चलाते हुए और बंदी भारतीय सैनिकों को मुक्त कराकर अपने साथ दिल्ली की ओर चल पड़े। मेरठ का जनरल यह सब देखकर इतना ज्यादा डर गया था कि उसके पास करीब 2200 सैनिक थे, पर उसने रोकने का प्रयास फिर भी नहीं किया। सैनिकों ने नगर और महल दोनों पर ही कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। इसमें एक बड़ी ही दिलचस्प दास्तान है। हालांकि बहादुर शाह जफर सैनिकों के नेतृत्व के लिए तैयार नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि सैनिकों की भरी भीड़ में एक रौद्र रूप में है, इतने बेकाबू हैं कि अगर मैंने मना करने की कोशिश भी की तो ये कहीं ये सैनिक मुझे ही न मार रहे। इस डर ने मजबूरी में बहादुर शाह जफर को सम्राट बन नेतृत्व स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, लेकिन ये नेतृत्व ज्यादा चल न सका। कई शासक ऐसे थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के भक्त थे और उन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया। बाद में बहादुर शाह के दोनों बेटे और पोतों को लाल किले में गोली मार दी गई और बहादुर शाह को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि विद्रोह एक नेतृत्व अलग अलग जगह अलग अलग नेता कर रहे थे, जिनमें झांसी में प्रमुख रानी लक्ष्मीबाई भी थी। ये विद्रोह लखनऊ, बरेली, कानपुर, बिहार, इलाहाबाद और भी कई जगह अपने अपने चरम पर था, लेकिन और अंग्रेज के जो गुलाम शासक थे उनकी वजह से हर जगह विद्रोह को बड़ी बर्बरता के साथ दमन कर दिया गया। इस विद्रोह को पूरे भारत में समर्थन न मिल पाना सबसे बड़ी चूक रही। कई राजाओं और सामंतों ने दिल खोलकर देश के साथ ही गद्दारी की। बहादुर शाह शुरू से ही नेतृत्व नहीं करना चाहते थे, उन्हें मजबूरी में ये करना पड़ा, जिससे योग्य नेतृत्व की कमी पूरे विद्रोह में बनी रही। कोई संगठन, कोई एक विचार नहीं था, विचारधारा का अभाव था कि लड़े तो किस लिए और क्या मिलेगा इससे। कोई ढंग के हथियार भी लोगों के पास नहीं थे, जनसामान्य लोगों ने समर्थन नहीं किया, जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने भी इससे किनारा कर लिया था, किसानों को भी साथ नहीं लिया गया था। इन सब का फायदा उठा के अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन कर दिया। लेकिन कई चीजें ऐसी हुई जो इस विद्रोह के होने के बाद भले भारतीयों को मुक्ति नहीं मिल पाई थी, लेकिन ये सब समझ आ गया था कि इसके लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। इस विद्रोह ने एकता और संगठन का पाठ पढ़ाया। अंग्रेजों ने देश के आंतरिक ढांचे को सुधारने की शुरुआत की। भारतीयों को भी धीरे धीरे समान दर्जा देने की चर्चा शुरू होने लगी थी। तो दोस्तों, अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्यों भारत 1857 में गुलामी की बीड़ियां नहीं तोड़ पाया था। अगर चंद लोगों ने गद्दारी न की होती तो शायद तस्वीर कुछ और ही हो सकती थी। 1857 के बाद उन 90 वर्षों में क्या हुआ ऐसा जो 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर बताएं। हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि भारत को आज़ादी 1947 में कैसे मिली। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और उनको भी दिखाएं। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद। भारत माता की जय।